नमस्कार दोस्तों, आरएस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो इस तरह हमने कट किया है, लंबाई रखी है 14.5 इंच, डबल फोल्ड करके 10.5 इंच, शोल्डर 5.5 इंच, आर्म होल 6 इंच, गले की चौड़ाई 2.5 इंच, और देखिए 2.5 इंच पर चौड़ाई का निशान लगाया, लंबाई का निशान लगाएंगे 10.5 इंच पर। तो इस तरह से लगाने के बाद अब देखिए इस तरह से हमें गले का शेप दे देना है। 0.5 इंच बाहर की तरफ लिया और इस तरह से गले का निशान कर दिया। अब नीचे से देखिए इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब ये निशान हमें दूसरी तरफ भी निकाल लेना है। दोनों तरफ से देखिए इस तरह से हमने निकाल लिया इसको। तो इस तरह से बनाना है। अब कपड़े की सीधी वाली तरफ इसको रखेंगे और पूरे पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमें पूरे पर सिलाइयाँ लगा लेनी हैं। तो हमने सिलाई लगा ली है। अब नीचे की तरफ भी सिलाई लगा लेंगे जहाँ से हमने निशान किया हुआ है। तो इस तरह देखिए सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद इसको कट कर लेना है। नीचे वाली साइड से भी कट किया और गले को भी कट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से कट करना है, यहाँ पर कट लगाना है और पूरे गले पर कट इस तरह से लगा देना है। कट लगाने के बाद इसको पलटना है। तो इस तरह से कट लगा देंगे। उसके बाद इसको इस तरह से पलट लेना है। पलटने के बाद ऊपर से एक सिलाई इस पर लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए सिलाई हमें लगा लेनी है। उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने कपड़े को कट कर लिया। आप डिजाइंस बनाने के लिए लिया है डोरी, गोल्डन डोरी हमने ली है, पतला लेस ले सकते हैं इसकी जगह पर। अब इसको इस तरह से लगाना है। ये देखिए इस तरह से लगा लेंगे। लगाने के बाद अब हमें देखिए एक बार हमने लगा लिया, अब दूसरी बार हमें लगाना है। अब नीचे वाली तरफ से भी लगा लेंगे। तो ये देखिए इस साइड से भी इसको लगा लिया। अब यहाँ से दोबारा से लगाएंगे। अब देखिए 0.5 इंच की दूरी रखते हुए हमने दोबारा से लगाया। अब एक बार हमें और लगाना है। तो इस तरह इसको एक बार और लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से लगा लेना है। ऊपर कम ही करना है और इस साइड चौड़ाई थोड़ी बढ़ानी है। तो इस तरह हमने लगा लिया। अब हमें लेना है इस तरह से कपड़ा। अब देखिए इससे हमें पट्टी तैयार करनी है। पट्टी की चौड़ाई 1 इंच 2 पॉइंट रखेंगे। उसी हिसाब से कपड़े की चौड़ाई ली है, इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब इसको पलट कर सीधा करना है। तब इसको इस तरह से पलट कर सीधा कर लेंगे। तो ये हमने देखिए सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद इसको कट करना है। अब 3-3 इंच का कट कर लेंगे। तो इस तरह कट कर लेंगे और इसको इस तरह से लगाना है। आधा इंच की दूरी लेंगे जो हमने डोरी लगाई है, उससे 0.5 इंच बाहर की तरफ लेते हुए और 2-2 पॉइंट का 0.5-0.5 इंच का बीच में गैप भी देना है। 0.5 इंच से थोड़ा सा कम लेंगे। तो इस तरह हमने पूरे पर लगा दिया है। इसे लगाने के बाद अब डोरी लगाना है दोबारा से। तो ये देखिए इस तरह से इसको लगा देंगे। अब इस तरह इसको बनाना है। अब यहाँ पर जो हमने ये पट्टी लगाई है इसको इस तरह से यहाँ पर ले आकर पहले एक सिलाई लगानी है, फिर दोनों तरफ पकड़ते हुए इस तरह से देखिए सिलाई लगानी है। दोनों साइड से पकड़कर बीच में सिलाई लगाएंगे, एक मोती यहाँ पर लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से फ्लावर जैसा बन के आएगा ये डिजाइंस। इसी तरह से हमें सारी डिजाइनें बनानी हैं। अच्छे से सिलाइयाँ इस वाली साइड से भी लगा देंगे पकड़ा कर।
ताकि डिजाइन अच्छे से बनी रहे। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगानी है, पहले बीच में करते हुए फिर दोनों साइड पकड़ कर सिलाई लगानी है दो तीन बार, फिर एक मोती लगानी है। अब यहाँ पर एक मोती लगाएंगे, फिर साइड से भी सिलाई पकड़ा देंगे। इसी तरह से सारी डिजाइनें देखिए इस तरह से बनाकर रेडी कर लेना है। अब एक मोती यहाँ पर इस तरह लगाएंगे, फिर अच्छे से दो तीन बार इस पर सिलाई धागे में से डालकर निकाल लेना है और दोनों तरफ से सिलाई पकड़ा लेना है। सारी डिजाइन इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने ये डिजाइनें बना ली है। ये बनाने के बाद एक लाइन हमें लेस ये डोरी एक बार और लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से लगा लेंगे, चाहे तो पहले भी लगा सकते हैं बाद में भी। तो ये हमने लगा लिया इसे, अब दोनों प्लेट्स बना देंगे। डिजाइन से बनके तैयार हुआ। अगर डिजाइन हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू डिजाइन के साथ। धन्यवाद।